को आगे पीछे वर्किंग करना चाहिए तो वर्क नहीं कर रहा है। कार रेस होता है काफी ज्यादा, पर कार आगे पीछे वर्क नहीं कर रहा है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है। और इसके कंस्ट्रक्टर में कोई चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है, और ना ही इसका पार्किंग लाइट फ्लैशिंग कर रहा है। कैसा जो अपने को PDR इसका साइन कंस्ट्रक्टर में शो करता है वो फ्लैशिंग भी नहीं कर रहा है, और वो अपने को दिखा रहा है कि अपना कार रिवर्स में भी जा रहा है, ड्राइव मोड पर भी, स्पोर्ट मोड पर भी, ये सब दिखा रहा है। तो पहले मैं आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या है, फिर मैं इसे स्कैन करके चेक कर लूँगा। जो भी कुछ इसके अंदर फॉल्ट कोड आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें अपन काम करेंगे। तो ये रेस मैंने किया, देख सकता हूँ गाड़ी अपना हिल ही नहीं रहा है। सेम ऐसे में इसको भी ड्राइव मोड पे करूँगा तो भी नहीं गाड़ी जाएगा आगे, इधर देख सकते हो। और क्लस्टर मीटर में कोई चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अपने को पता भी रहा है, पार्किंग मोड बता रहा, देख सकते हो ये अपना पार्किंग में भी है, और ये रिवर्स में गया, और ये न्यूट्रल है, और ये ड्राइव मोड है, ये मैनुअल है, फर्स्ट गियर में भी नहीं जा रहा है। और बढ़िया गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, ये डायरेक्ट फास्ट में चले गया, देख सकते हो D5 5वां गियर चले गया, D3 आ गया, D2 D1। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं भी इसको स्कैन करके चेक कर लेता हूँ। और इसमें कोई चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है, देख सकते हो कंस्ट्रक्टर में। और ये कार को मैं वापस से बंद करता हूँ, और ये वापस से स्टार्ट किया, पर वापस से देख सकते हो मैं रेस दे रहा हूँ बट गाड़ी आगे नहीं जा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम है, अभी मैं स्कैनर लगा के रखा हूँ उधर पे, चेक कर लेता हूँ क्या फॉल्ट कोड आ रहा है अपना स्कैनर में। इसको ट्रांसमिशन में चेक करेंगे, ओके करेंगे भी TTC। यहाँ पे अपने को जो प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ देख सकते हो P0721 आउटपुट स्पीड सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इम्पॉसिबल सिग्नल, देख सकते हो। तो जो इसका आउटपुट स्पीड सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एक्चुअली इसके गियरबॉक्स के अंदर फिटिंग आता है, और इसके लिए अपने उसका ऑयल चैम्बर वाल बॉडी का खोलना पड़ेगा, फिर ये अपने को दिखेगा। और इसके ECM में भी चेक कर लेते हैं, ओके करेंगे TTC। तो इसके ECM में कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है, देख सकते हो, सिर्फ इसके TCM में प्रॉब्लम दिखा रहा है। और यहाँ कंस्ट्रक्टर में अपने को कोई लाइट भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे अपना क्या है ना, PDR ENS जो है ना वो पूरा शो कर रहा है, यहाँ पे गुल भी नहीं हो रहा। बहुत से केस में क्या होता है, यह दिखता ही नहीं है, बट ये अपने को यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, जो कि यहाँ पे रिटर्न दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हो D हो गया, ये रिवर्स गया, न्यूट्रल, ये पार्किंग। और वो यहाँ पे मैं वापस एक बार दिखाता हूँ आपको, मैं बैक किया, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, रेड DTC। तो ये अपने को P0721 का ही फॉल्ट कोड आ रहा है, आउटपुट स्पीड सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल सिग्नल आनी, वर्किंग नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो इसका फाइनली अपने को चैम्बर वगैरह वाल बॉडी खोल के चेक करना पड़ेगा सर सेंसर। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली इसको हमने हाइट पे लिया भी है कार को, और सब पूरा कैसा पूरा ऑयल ट्रांसमिशन का पूरा ऑयल लीकेज देख सकते हो, पूरा ये चैम्बर भी नीचे फटका खाया हुआ है, दबा हुआ देख सकते हो पूरा, ये कैसा पूरा बैठा हुआ है, इधर देख सकते हो मार खाया हुआ है, इधर पूरा बैठा है चैम्बर ये,
इसका पूरा इधर से राउंडिंग से इधर पूरा इसका ऑयल भी लीकेज है, देख सकते हो पूरा कैसा काफ़ी ज़्यादा ऑयल लीकेज है इसमें, ये देख सकते हो। पूरा बहुत ऑयल लीकेज है, देख सकते हो पूरा ट्रांसमिशन पूरा भिगा हुआ है। ये मुझे लग रहा है इसका ऑयल भी लीकेज हो गया है पूरा ये, और पूरा चैम्बर भी मार खाया हुआ है ये। तो फाइनली मैं इसका चैम्बर खोल के देखता हूँ उसके अंदर मेटल वगैरह आया है क्या है, कंडीशन क्या है इसका ऑयल का, तो ये मैं चेक करने वाला हूँ। इसका बोल्ट भी स्लीफी है तो इसमें खोलता हूँ, देखते हैं क्या है, जो भी कुछ रहेगा बताता हूँ मैं। उसको फटका लग रहा है चैम्बर पर, पूरा चैम्बर इसका जो फिल्टर है फिल्टर पूरा दब गया है, देख सकते हो कैसा अंदर बैठ गया है। एक सरीका होता है पूरा अंदर बैठ गया है, इसको फटका लगा हुआ है, तो मैं फिल्टर को भी बाहर निकाल लेता हूँ। एक्चुअली इसका जो ये है ना, ये क्लच का पाउडर है पूरा, ये जिसको जम रहा है ये क्लच का पाउडर है ये, हाँ बोलो क्लच का पाउडर है ये। तो ये जो पाउडर है ना इसका, फाइनली ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा सा क्लच का है, क्लच का पूरा भुक्का भुक्का हो गया है इधर, देख सकते हो कैसा। तो मैं इसका वाल बॉडी खोलता हूँ इसका भी, और देखता हूँ क्लच का क्या कंडीशन है, और फिल्टर भी इसका ये पूरा दब गया है। और ये बाहर हमने ऑयल निकाला हुआ है, देख सकते हो पूरा कितना कैसा पूरा ख़राब हो गया, पूरा ये काला काला पूरा क्लच में घिस गया है पूरा पाउडर पाउडर, देख सकते हो ऑयल कैसा हो गया ये पूरा, ये देख सकते हो। तो सर क्लच ख़राब हो गया है, इसके लिए इसका आउटपुट स्पीड सेंसर जो है ना सेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑयल ख़राब रहेगा तो भी सेंस नहीं करेगा, वो तो रॉन्ग सिग्नल देगा। इसका फाइनली मैं वाल बॉडी खोलता हूँ इसका, देख सकते हैं इसका फिल्टर हमने खोला हुआ है अभी, ये कैसे पूरा मार खा के देखो तो दब गया ये पूरा, ये देखो तो पूरा दबा हुआ है पूरा, ये कैसा पूरा बैठ गया, और पूरा क्लच का ये भुक्का पूरा इसके अंदर देखो फंसा हुआ है पाउडर क्लच, देख सकते हो पूरा अंदर पाउडर जाके पूरा जमा हुआ हुआ, ये इधर भी देख सकते हो। तो ये पूरा दब गया है फिल्टर का। तो फाइनली इसका मैं वाल बॉडी निकाल रहा हूँ, और साइड में एक वाल आता है इधर पे, देख सकते हो इधर पे स्प्रिंग एक वाल रहेगा, और ये इसका वाल बॉडी है देख सकते हो। यहाँ पे एक वाल रहता है जो दिखाना, ये देख सकते हो ये इस तरह रहता है, इसके ऊपर ये इधर जाएगा ऐसा, और इसका भी मैं क्लच चेक कर लेता हूँ। और जो अपने को इसमें इरर आ रहा था आउटपुट स्पीड सेंसर का, तो वो इधर पे है देख सकते हो, ये इधर पे ये जो लगा हुआ ना अंदर, ये है ये सेंसर का है ये, और इधर देख सकते हो क्लच पूरा सा ख़राब हो गया है, इधर देख सकते हो पूरा ये क्लच पूरा ख़त्म हो गया, ये देख सकते हो पूरा घिस एकदम ख़त्म हो गया है, देख सकते हो पूरा क्लच एकदम इंड हो गया है। इसके लिए कार अपना रेस हो रहा था, ये प्रेशर प्लेट है और ये क्लच है, ये क्लच पूरा ख़त्म हो गया है, इसमें कितना पिले हो गया, इतना पिले नहीं रहता है, ये भी पूरा इस साइड का भी पूरा ख़त्म हो गया है, इसे पूरा सिस्टम साफ हो गया है पूरा ये। तो इसका क्लच जो अपने को ना चेंज करना पड़ेगा, क्लच ही पूरा ही ख़त्म हो गया है, ठीक है ये देख सकते हो पूरा एक क्लच ख़राब हो गया है। तो अभी हम कस्टमर से बात करेंगे, उनको रिपोर्ट देंगे कि इसका अपने को क्लच डालना पड़ेगा, इसके लिए बार बार अपने को ये इसका आउटपुट स्पीड सेंसर का भी प्रॉब्लम दिखा रहा था, क्योंकि रेस सिर्फ हो रहा है गाड़ी आगे बढ़ नहीं रहा है, और ये इतना प्ले नहीं रहता है जो कि देख सकते हो कितना प्ले है, यहाँ पे दिख भी रहा है पूरा कैसा ना घिस गया है पूरा ये, इसका मोटाला जो है ना ये मोटाला प्रेशर प्लेट है, ये पतला वाला क्लच है, ये पूरा ख़त्म हो गया, ये देख सकते हो। तो अपने वो क्लच इसका डालना पड़ेगा, तो कस्टमर को रिपोर्ट देंगे, अगर कस्टमर यस बोलेंगे तो काम करेंगे उस हिसाब से, बट इसका क्लच का प्रॉब्लम है, ये सेंसर वेंसर का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जल्दी ऐसा ख़राब होता भी नहीं है ये।
इसका क्लच खराब हो गया पूरा, ये करीब से दिखाता हूँ मैं, देख सकते हो पूरा ख़त्म हो गया क्लच इसका ये। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, क्योंकि इसमें क्लच का प्रॉब्लम है और इसमें सेंसर वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऑयल खोला तभी अपने को मालूम पड़ा इसमें क्लच का इशू है, और इस तरह इसका वाल बॉडी पूरा निकालना होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके।